हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान सी चीज़ कॉर्न पार्सल की रेसिपी। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस डिलीशियस सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिया है जिनकी आज हमें चीज़ कॉर्न पार्सल बनाने के लिए ज़रूरत होगी। ऑनियन को चॉप कर लिया है, थोड़े से कैप्सिकम को चॉप किया है, कॉर्न्स को मैंने अच्छे से नमक ऐड करके बॉईल कर लिया है यहाँ पर, थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस, 1/4 कप ऑफ चॉप्ड कैरोट, हरा धनिया, और यहाँ पर मैंने अमूल का प्रोसेस चीज़ यूज़ किया है, और यहाँ पर है मेरे पास फन फूड का वेड मायोनीज। तो चलिए अब हम हमारी स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और उसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए ऑनियंस को ऐड कर देंगे। ऑनियंस को हम बिल्कुल ही 10 सेकंड्स के लिए जस्ट सौते कर लेंगे। देखिए 10 सेकंड्स के करीब हो चुका है, उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए कैप्सिकम को ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम इसमें चॉप किए हुए कैरेट्स को भी इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। उसके बाद इन सबको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई भी हमें वेजिटेबल्स जो है हमें किसी को भी अच्छे से कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे करना है। हम इसमें बॉयल किए हुए कॉर्न्स को भी ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से सारे वेजिटेबल्स के साथ में मिक्स कर देंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। 5 सेकेंड्स होने के बाद हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन को ऐड कर देंगे, इसमें कोरिएंडर लीव्स को भी ऐड कर देंगे, अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। इसे हम 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, मैं इसमें 1 स्पून ऑफ मैदा ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा स्मूथ मिक्सचर रेडी कर लूँगी। इसमें बिल्कुल ही लम्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी। बैटर में बिल्कुल ही लम्स नहीं होना चाहिए, हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए बस ये ऐसे हो चुका है। बाद में इसे ब्रश से अप्लाई करूँगी। देखिए जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच मेयोनीज ऐड करूँगी। मैं इसके ऊपर से चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आज मैं चीज़ कॉर्न पार्सल बनाने के लिए ये स्विस की समोसा पट्टी का यूज़ करने वाली हूँ। ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 समोसा शीट का यूज़ किया है। सबसे पहले एक को ऐसे लंबाई में रख देंगे, उसके बाद दूसरे को उसके ऊपर से रख देंगे। अब हम अच्छे से मार्क करके पहले वाले शीट के ऊपर थोड़े से पेस्ट को लगा देंगे और दूसरे वाले शीट को उसके ऊपर से ऐसे रख देंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे जिससे कि दोनों अच्छे से आपस में स्टिक हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर से थोड़ी जेनरस अमाउंट ऑफ फिलिंग को ऊपर से ऐसे रख देंगे। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम एक शीट के ऊपर ऐसे पेस्ट को लगाएंगे, उसके बाद उसको फिलिंग के ऊपर ऐसे रख देंगे। दूसरे शीट के ऊपर भी ऐसे ही सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, उसको भी ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। आपको वही प्रोसेस को ऐसे रिपीट करते जाना है और एक के ऊपर एक शीट्स को रख देना है। अब लास्ट वाले शीट के ऊपर भी पेस्ट लगाकर उसे भी इसके ऊपर रख देंगे।
देखिए हमारा चीज़ कॉर्न पार्सल जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि आपको इसे कैसे करना है। फिलिंग रख देंगे सारे शीट्स के ऊपर, ऐसे पेस्ट लगाकर एक के ऊपर से एक रख देंगे। मैंने इसी प्रोसेस को रिपीट करके सारे पार्सल्स को बना लिया है। उसके बाद मैं सबको फ्राई कर लूँगी। उसके लिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। मैं दो पार्सल को इसमें ऐसे ऊपर से ऐड कर दिया है। अच्छे से एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हम इन्हें पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो पाए। थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ऑयल ऐड करेंगे। देखिए पार्सल जो है वो अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। हम इसे निकाल लेंगे। बस ऐसे ही दूसरे वाले पार्सल को भी हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से सर्व कर लिया है। तो रेसिपी कितनी ज़्यादा इजी थी ना, आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही फूड रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई नई और अच्छी अच्छी डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ।